हेलो एवरीवन वेलकम टू अनदर वीडियो ये जो पहला पार्ट वीडियो का था वो आई सी एम आर ट्वेंटी ट्वेंटी साइंटिस्ट बी का क्वेश्चन पेपर था उस उसी वीडियो के कॉन्टीन्यूशन में सेकंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट में मैंने अप्रॉक्सीमेटली थर्टी क्वेश्चन बताए थे जो आई रिमेंबर्ड बेस्ड ऑन माई मेमोरी उसके बाद कुछ और क्वेश्चन मुझे याद आए हैं तो मैं जैसे मैंने लास्ट वीडियो uh, में प्रॉमिस किया था कि आई विल टेल इफ़ आई रिमेंबर मोर क्वेश्चन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर देम सो दिस इज वीडियो इज़ पार्ट टू फॉर आई सी एम आर ट्वेंटी ट्वेंटी साइंटिस्ट बी फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स इज्ज नॉट फॉर मेडिकल कैंडिडेट्स सो एक क्वेश्चन जो उसमें आया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ ऑर्थोपोर्ट्स मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है इधर ये मतलब मेरी जोलॉजी काइंड ऑफ थिंग थोड़ी वीक है तो मुझे कुछ भी नहीं पता था इस बारे में बट जैसे मैंने थोड़ा गूगल सर्च किया वापस आने के बाद तो बता रहे हैं कि मैटमारा एक ऑप्शन था उसमें मैटामेटिकली सेगमेंटेड जो एक कैरेक्ट्रिस्टिक फीचर है आपका ऑर्थोपोड्स का उसके बाद एक और क्वेश्चन जो मुझे याद था कि यूरेटर की जो लाइनिंग है उसके बारे में क्वेश्चन था कि वो कौन से सेल्स की बनी हुई है एपिथीरियल सेल्स की एक ऑप्शन था उसमें एपिथीरियल सेल्स का अब मुझे इसका कंफर्म नहीं था तो मैंने ये भी अटैम्प्ट नहीं किया क्वेश्चन उसके बाद एक क्वेश्चन था कि इंसुलिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इसमें चार ऑप्शन आप, आप, आपके पास दिए गए थे इसमें एक था इकोलाई e. एक था सैक्रोमाइसिस अब इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट था क्योंकि अलग अलग कंपनी जो ये रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन थी रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन अब इस क्वेश्चन में मुझे डाउट ये था कि अलग अलग कंपनीज़ का अलग अलग स्ट्रेन है रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाने के लिए बायकॉन कोई दूसरा स्ट्रेन यूज़ करती है और कोई दूसरी कंपनी जो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है वो कोई दूसरा स्ट्रेन यूज़ कर रही है सो आई वॉज नॉट श्योर कि ईकोला e. यूज़ करते हैं या सेक्रोमाइसिस यूज़ करते हैं उसके बाद एक और क्वेश्चन मुझे याद था कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इज यूज फॉर वॉट ये एक टॉक्सिसिटी टेस्ट है अब ये इसमें ऑप्शंस मेरे को याद नहीं है क्या क्या ऑप्शन थे तो ये एक और क्वेश्चन है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इसमें अगर जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए या जो एस एम आर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में कोई दूसरा एग्जाम होगा साइंटिस्ट बी नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए एक और अच्छा क्वेश्चन है उसके बाद एक क्वेश्चन था उसमें एस डी एस पेज इज़ यूज फॉर वॉट और एस डी एस पेज इज वॉट भी एस डी एस पेज आप सब लोगों को पता है कि इट इज़ ए सेपरेशन टेक्निक फॉर प्रोटीन्स एस डी एस स्टैंड फॉर सोडियम डेडोसल सल्फेड एंड पेजिस पोलियरमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरसिस इसमें आपका प्रोटीन्स का सेपरेशन के लिए यह टेक्निक यूज करी जाती है उसके बाद एक और क्वेश्चन है आर आर एन एनि कि राइबोसोमल आर एन ए की सिंथेसिस कहाँ पर होती है मेरे हिसाब से वो होती है न्यूक्लियोलस में उसमें दो चार ऑप्शन थे माइटोकॉन्ड्रिया था साइटोप्लाज्मा था तो मेरे हिसाब से न्यूक्लियोलस इसका ऑप्शन सही होना चाहिए अगर आपको लगता है कि न्यूक्लोरस नहीं है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि इसका दूसरा ऑप्शन आपको सही ऑप्शन क्या लगता है जो सही आंसर है उसके बाद अगर क्वेश्चन था इसमें कि अर्थ फॉर्म का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है और यह जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन सा है उसमें दो चार ऑप्शन थे मुझे लगता है कि इसमें नेफ्रीडिया एक ऑप्शन था जो मेरे हिसाब से करेक्ट है नेफ्रीडिया एक ऑर्गन है अर्थ फॉर्म्स में जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है उसके बाद एक रामचंद्रन प्लॉट का क्वेश्चन था कि रामाचंद्रन प्लॉट आपको क्या बताता है बेसिकली वो आपको बताता है फाई और साई एंगल्स जो प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड होता है आपका पैप्टाइट जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है सी और एन के बीच में ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है और बाकी के इधर जो एक एंगल होता है फाई एंगल एक होता है साई एंगल तो ये उनके रोटेशन के प्रेजेंस बताता है कि ये कितना डिग्री रोटेट कर सकते हैं उसके बाद एक क्वेश्चन था इसमें स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस इसमें दो चार ऑप्शन थे डबल स्टैंडर्ड डीएनए है या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है डबल स्टैंडर्ड आरएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तो उसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कौन सा क्वेश्चन आंसर इसका सही है तो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया ये क्वेश्चन उसके बाद एक क्वेश्चन था इसमें एक्रोसोम इज फॉर्म फ्राम विच एक्रोसोम इज फॉर्म फ्रॉम विच ऑर्गेनली बेसिकली मेरे हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया का ऑप्शन होना चाहिए उसका बाद एक क्वेश्चन था कि एंटीबायोटिक्स आर मोस्ट इफेक्टिव इन विच फेज़ ये हम सब लोगों को पता है कि आपका जो ग्रोथ uh, फेज़ है जो सब जो आपकी ग्रोथ साइकिल है वो सिग्मोइड शेप की होती है जिसमें आपका ये लॉग फेज रहता है यहाँ पे ये आपका लैग फेज रहता है और ये आपका यहाँ पर स्टेशनरी फेज़ आ जाता है और यहाँ पर आपका डिक्लाइन फेज़ आ जाता है तो सॉरी ये वाला आपका स्टार्टिंग में लैग है उसके बाद लॉग है तो आपका जो uh, जो आपकी एंटीबायोटिक्स है वो मोस्ट इफेक्टिव कौन से फ़ेज़ में रहेंगी वो आपके फ़ेज़ में रहेंगी जब आपका बैक्टीरिया आपके बॉडी में अडेप्ट रहा है तो यानी कि ये वाला जो पोर्शन है इस वाले फ़ेज़ में आपकी एंटीबा जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी क्योंकि इस टाइम पे अभी तक बैक्टीरिया ने मल्टीप्लाई होना शुरू नहीं किया है या शुरू किया तो बहुत कम अमाउंट में कर रहा है अभी वो सिर्फ बॉडी के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहा है अपने आप को ये जो फ़ेज़ है आपका इस फेज़ में वो एडजस्ट करने के बाद पूरी शिद्दत से आपका मल्टीप्लिकेशन शुरू करता है तो ये वाला स्टेशन फेज हो जाता है जिसमें ग्रोथ फेज और डेथ फेज बराबर हो जाते हैं और ये आपका डिक्लाइन फेज हो जाता है उसके बाद उसके बाद एक और क्वेश्चन था व्हाट इज़ लैम्प लैम्प इज अ फॉर्म ऑफ पीसीआर ये पीसीआर की एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है ऑल्टरनेटिव नहीं है बट ये कैन से कि पीसीआर की एक वाइटी है उसके बाद एक क्वेश्चन है इसमें कार्डियोलिपिन इज फाउंड इन वेयर कार्डियोलिपिन भी आपका माइक्रोकॉन्ड्री में ही मेरे हिसाब से मिलना चाहिए सबसे ज़्यादा उसके बाद माइलिन शीट इज प्रोड्यूस फ्रॉम विच सेल ये इसमें दो तीन सेल थे आपके न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स दिया हुआ था न्यूरो सेल दिया हुआ था इसमें आपको और शुहान सेल दिया हुआ था तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें शुहान सेल ऑप्शन सही है उसके बाद एक क्वेश्चन था इसमें स्पेन कंपनी से रिलेटेड उसमें एक, एक कहानी बताई गई थी कि स्पेन कंपनी में एक कुछ कम एक कंपनी है जो वर्कर्स वर्कर्स उसके मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं और या फिर वर्कर्स की ही कंपनी वो है वर्कर्स ही उसके जो ओनर्स हैं उसमें सेवेंटी परसेंट आपकी वर्कर्स हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछा आंसर पूछा हुआ था कि इस ये ऐसी कोई कंपनी अगर एग्जिस्ट करती है तो उसके क्या बेनिफिट हैं उसमें एक ऑप्शन था कि आपका आ, वो कंपनी प्रॉफिट कम कमाएगी लेकिन लोग उसमें हैप्पी रहेंगे क्योंकि वो उनकी कंपनी है और एक बार एक दूसरा ऑप्शन था उसमें कि वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी लेकिन लोग लेकिन लोग भी खुश रहेंगे ऐसे दो चार ऑप्शन थे तो मैंने उसमें ऑप्शन मेरे हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट जो था कि क्योंकि वो कंपनी वर्कर्स ओरिएंटेड है तो उसमें वो प्रॉफिट कम कम करेगी कम कमाएगी प्रॉफिट लेकिन लोग उसमें एक जो है उसमें काम करके खुश रहेंगे उसके बाद एक और क्वेश्चन था उसमें एस्कैरिस लम्बे ये इट इज़ कॉज्ड बाई वॉट ये इसका मुझे कोई ऑप्शन याद नहीं है तो मुझे पता भी नहीं मैंने क्या टिक किया था इसमें उसके बाद एक और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉज बाय डीएनए वायरसेस इसमें भी चार पांच डिजीज़ के नाम दिए हुए थे कि इसमें पूछा गया था डीएनए वायरसेस से कौन सी डिजीज़ होती है उसके बाद एक क्वेश्चन था कि लार्जेस्ट बायोम आपका कौन सा है लार्जेस्ट बायोम आपका टाइगा है किसी ने सवाना भी किसी ऑप्शन में था सवाना आपका लार्जेस्ट बायोम नहीं है उसके बाद प्रोसेस फॉर फाइंडिंग जीन लोकेशन ऑन अ क्रोमोजोम जो हम इसमें दो तीन ऑप्शन थे क्रोमोजोम वॉकिंग था क्रोमोजोम वॉकिंग मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप ये आपका क्रोमोजोम है इसमें आपको कोई जीन लोकेट करना है तो उस लोकेट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एक जो इसमें कंफ्यूजिंग ऑप्शन ऑप्शन थे वो था क्रोमोजोम वॉकिंग और जीनोम मैपिंग बहुत सारे लोगों ने हो सकता है क्रोमोजोम वॉकिंग पे टिक किया हो बट क्रोमोजोम वॉकिंग और जीनोम मैपिंग में फर्क इतना है कि क्रोमोजोम वॉकिंग पे आप पूरे एक क्रोमोजोम पे चल रहे हैं उसमें आप क्रोमोजोम का एक पार्ट जाकर ढूंढते हैं कि ये क्रोमोजोम का ये वाला पार्ट मुझे मिल गया है बल्कि जीनोम मैपिंग में आप क्या करते हैं आप कंप्लीट जीनोम की बात करते हैं और उसमें से एक जीन ढूंढते हैं कि ये वाला मैप मतलब ये मैपिंग का क्या मतलब हुआ कि आप उसका एक नक्शा बना रहे हैं कि वो एक्चुअल में वो वाला जीन प्रेजेंट कहाँ पर है तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर था जीनोम मैपिंग तो अभी तक मुझे यही इतने क्वेश्चन याद आए थे अब टोटल अप्रॉक्सीमेटली थर्टी पहली वीडियो में थे और नाइनटीन मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी क्वेश्चन हो गए हैं एट्टी में से अब मुझे नहीं लगता कि एट्टी में से इस फिफ्टी से ज़्यादा मुझे और कोई क्वेश्चन याद होंगे क्योंकि मैं भूल चुका हूँ अब एग्ज़ाम को भी दो चार पाँच दिन हो गए हैं पहली तारीख को एग्ज़ाम हुआ था आज पाँच तारीख हो गई तो जितना मुझे याद था ये मेरे हिसाब से लास्ट वीडियो होनी चाहिए सीरीज़ की बाकी अगर फिर भी मुझे कुछ और याद आता है दो चार क्वेश्चंस और याद आते हैं तो मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि एक और नई वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए ताकि जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आई सी एम आर ट्वेंटी ट्वेंटी आई सी एम आर साइंटिस्ट बी एग्ज़ाम के लिए उनको हेल्प हो जाए बाकी तो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता हो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू